दो गवाह सज्जन सिंह और कुलदीप सिंह रावत हुए। सज्जन सिंह पुलिस के गवाह थे, सज्जन और कुलदीप सिंह रावत कैमरा इंस्टॉल थे। तो दूसरा आरोपी अंकिता भंडारी मर्डर केस के यहाँ पे सुनवाई चल रही है। तो जैसे केस धीरे धीरे करके समाप्त हो रहा है, ये देखो हंसता मुस्कुराता जा रहा है यहाँ पे अंकित, ये देखिए। बद्री केदार जी की जय हो। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना धर्मवीर नेगी, स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं सिंबल चौक कोर्ट कोटद्वार से। तो आज अंकिता भंडारी मर्डर केस की आज यहाँ पे सुनवाई है। आज है 15 सितंबर, 15 सितंबर को अंकिता भंडारी मर्डर केस की आज सुनवाई चल रही है यहाँ पे। और मौसम भी आज बारिश हो रही है, सुबह से 3 बजे से यहाँ बारिश हो रही है। देखते हैं आज क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि केस को तो 1 साल पूरा होने वाला है। तो देखते हैं 1 साल में केस कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और आज के बारे में बताएंगे। तो आज कोर्ट में क्या क्या चल रहा है, जो 3 आरोपी हैं वो शायद आरोपी अभी तक पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं, हम भी अभी आए। तो बने रहा मेरे ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको हर नई नई अपडेट आपको हम बताते रहे। तो अभी साथियों यहाँ पर अंकिता भंडारी मर्डर केस की सुनवाई में जो यहाँ पर आरोपी है, तो आरोपी की गाड़ी यहाँ पर पहुँच गई है। देखते हैं इसमें कौन सा आरोपी आया है। और बारिश भी हो रही है आज, बारिश का मौसम भी है। तो गाड़ी से अभी बाहर पुलिस वाले निकल रहे हैं। तो इस गाड़ी में आरोपी अंकित आया है। तो ये अब जो आरोपी है अंकिता भंडारी मर्डर केस का आरोपी, यहाँ पे अंकित पहुँच गया है सिंबल चौक कोर्ट कोटद्वार से। जैसे आप देख सकते हैं अभी भारी पुलिस की सुरक्षा के बीच में। अभी साथियों यहाँ पे एक और गाड़ी आरोपी की पहुँच गई यहाँ पे, तो इस बार बड़ी गाड़ी आ रखी है। देखते हैं इसमें कौन सा आरोपी आया है। अभी तो अंकित तो पहुँच गया यहाँ पे, तो दूसरा आरोपी यहाँ पे आ चुका है। देखते हैं इसमें दोनों ही आरोपी हैं या एक आरोपी है इसमें। तो यहाँ पे आ रखा है, यहाँ पे जो दूसरा आरोपी है सौरभ भास्कर यहाँ पे पहुँच गया है। यहाँ पे दूसरा आरोपी भारी पुलिस के सिक्योरिटी के बीच में। तो आप जैसे देख सकते हैं अंकिता भंडारी मर्डर केस की यहाँ पे सुनवाई चल रही है। तो दो आरोपी हमने आपको दिखा दिए हैं सिंबल चौक कोर्ट कोटद्वार से। तो अभी साथियों सिंबल चौक कोर्ट कोटद्वार से हैं अभी, और यहाँ पर अंकिता भंडारी मर्डर केस की यहाँ पर सुनवाई चल रही है। तो तीनों आरोपी यहाँ पर पहुँच गए हैं। हाँ, पुलकित जब आर्य पहुँचा तो उस समय हम थोड़ा लेट पहुँचे, तो सबसे पहले पहुँच गया है यहाँ पर। तो तीनों आरोपी यहाँ पे आज पहुँच गए हैं। तो मौसम भी बिल्कुल, बारिश भी हो रही है और अभी अंकिता भंडारी मर्डर केस की यहाँ पे सुनवाई चल रही है। देखते हैं जब वो बाहर निकलते हैं तो क्या कुछ होना है आज। तो बने रहे आप हमारे चैनल में। तो अभी साथियों अभी सिंबल चौक कोर्ट कोटद्वार से ही हैं, और जैसे कि आपको पता है कि अंकिता भंडारी मर्डर केस की यहाँ पर पूरा यहाँ पर 18 तारीख को 1 साल होने वाला है। और हम जब से केस हुआ है तब से हम इस केस में यहाँ पे बने हुए हैं, क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस केस को हत्या को बिल्कुल 1 साल होने वाला है, और अभी तक आपको पता है कि कुछ हुआ नहीं है, पर तारीख पे तारीख मिली जा रही है। तो हम लोगों ने अभी फ़िलहाल अभी हम 2-3 ही यूट्यूबर हैं, जो हम तीनों ने यहाँ पर दुर्गापुरी में यहाँ पर 18 तारीख को शाम 5 बजे कैंडल मार्च, फिलहाल पहले तो अभी श्रद्धांजलि देने का हमने यहाँ पर 5 बजे शाम को यहाँ पे दुर्गापुरी चौक में हमने एक कार्यक्रम बनाया है। तो जितनी भी कोटद्वार की समझ जनता है जो मेरे चैनल को देखती है, तो आप दुर्गापुरी शाम 5 बजे कोटद्वार में आ सकते हैं, आप लोग आमंत्रित हैं। और जो यूट्यूबर भी हैं कोटद्वार के, खासकर अगर पौड़ी से भी हैं जो भी हैं, आप लोग आइए और अंकिता भंडारी को यहाँ पर श्रद्धांजलि देने का आप यहाँ पर कष्ट करें। और हो सकता है कि हम कैंडल मार्च भी निकालने की कोशिश करेंगे, अगर जनता अगर सहयोग देगी हमारे साथ। सहयोग करें अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि देने में, तभी हम एक न्याय की तरफ बढ़ पाएंगे सीढ़ी। तो इंटरेस्ट दिखाएं आप अंकिता भंडारी केस में और न्याय दिलाने की कोशिश करें। तो अभी साथियों अभी अंकिता भंडारी मर्डर केस की सुनवाई चल रही है। तो अभी यहाँ पे जो आरोपी है यहाँ पे, तो आरोपी यहाँ पे सौरभ भास्कर है, तो ये गाड़ी में बैठ गया है। तो धीरे धीरे करके अंकिता भंडारी मर्डर केस की यहाँ पर सुनवाई आज की जो सुनवाई है वो ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पे जो आरोपी है, तो आरोपी यहाँ पे गाड़ी में बैठ गया है, जैसे आप देख सकते हैं कोटद्वार कोर्ट से। तो
दूसरा आरोपी यहाँ पे अंकित, तो दूसरा आरोपी अंकिता भंडारी मर्डर केस की यहाँ पे सुनवाई चल रही है। तो जैसे केस धीरे धीरे करके समाप्त हो रहा है, ये देखो हंसता मुस्कुराता जा रहा है यहाँ पे अंकित, ये देखिए कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो जैसे आप देख सकते हैं तो ये भी गाड़ी में बैठ गया है। तो अंकिता भंडारी मर्डर केस की यहाँ पे सुनवाई चल रही है। तो ये दूसरी गाड़ी इधर, और तीसरा आरोपी मेन आरोपी पुलकित, जैसा आप देख सकते हैं। तो तीनों आरोपी धीरे धीरे करके गाड़ी में बैठ गए हैं। सिंबल चौड़ कोर्ट से पूरी खबर आपको दिखा रहे हैं। तो तीनों आरोपी यहां से चल पड़े, आज कोटदार कोर्ट में यहां पे सुनवाई होती हुई, देखते हैं अभी बात करते हैं वकील लोगों से अगर बात करना चाहते हैं तो। तीनों आरोपी धीरे करके यहाँ पे निकल गए हैं साथियों। आज अंकिता भंडारी मर्डर केस की यहाँ पे सुनवाई हो रही है, जैसे आप देख सकते हैं। बाकी अभी बात करते हैं यहाँ पे वकील एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं। तो अभी साथियों हमारे साथ हैं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, आज उनसे बात कर लेते हैं कि आज सर क्या क्या हुआ कोर्ट में। आज दो गवाह सज्जन सिंह और कुलदीप सिंह रावत हुए। सज्जन सिंह पुलिस के गवाह थे, सज्जन और कुलदीप सिंह रावत कैमरा इंस्टॉल थे, दोनों की बहुत पुख्ता गवाही हुई और अब तक 20 गवाह प्रोसिक्यूशन ने कर दिए हैं। सेंस गवाही के लिए 29 नियत है, उसमें 3 गवाह तलब किए गए हैं। उस दिन तीन गवाहों की गवाही होगी और कोर्ट भी इसमें जल्दी जल्दी तिथि नियत कर रही है जिससे कि मुकदमा का निस्तारण जल्दी हो सके। तो आज जो गवाही हुई उस गवाही से आप संतुष्ट हैं? आप देखो प्रोसिक्यूशन ने जो गवाही कराई है वो ठीक ठाक गवाही अब तक हो रही हैं और बाकी तो ये बात क्योंकि न्यायालय के उसकी है तो मैं इसमें ज़्यादा कहना उचित नहीं समझूंगा। अगली तारीख इसमें 22/9 नीत हुई है, उसमें 3 गवाह तलब किए गए हैं। 3 गवाह तलब करेंगे, ठीक है सर, धन्यवाद आपका बहुत। तो अभी साथियों अभी अंकिता भंडारी मर्डर केस की यहाँ पे सुनवाई चल रही थी और दिन के 2 बज गए हैं। तो आज अंकिता भंडारी मर्डर केस की जो सुनवाई है वो लगभग आज समाप्त हो चुकी है और आज 15 तारीख को आज जो यहाँ पे सुनवाई हुई थी यहाँ पे तीनों आरोपी यहाँ पे आए थे। और जैसे अभी जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उन्होंने जो बातचीत में बोला है कि आज यहाँ पे जो गवाही हुई थी और जो अगली तारीख को बताया गया है वो बताया है 22 सितंबर को अगली सुनवाई है। तो चलो ये ब्लॉग आप मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तो आई होप आपको ये ब्लॉग जरूर पसंद आएगा, तो चैनल को बिल्कुल लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये ब्लॉग आप शेयर कीजिए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट अपडेट, जैसे हमको नेक्स्ट अपडेट मिलती है फिर हमको आपको दिखाते हैं। बाकी अभी मैं सिंबल चौड़ कोर्ट कोटद्वार से ही हूँ अभी। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।